9 नवंबर में इन्होंने नियम लाकर चेंज कर दिया। बोलते हैं कि आप लोगों को इसमें वेटेज नहीं मिलेगा, वेटेज कॉन्ट्रैक्ट वाले को, संविदा वाले कर्मी को वेटेज मिलेगा। जितना आप लोग अभ्यर्थी, हम लोग चयनित थे, हम लोग का दस्तावेज सत्यापन हो गया, हम लोग की सिर्फ ज्वाइनिंग और डिपार्टमेंट अलॉटमेंट बाकी है। क्या कहा जा रहा है आप लोगों का? हमें ये लोग बिना कोर्ट के आदेश के ये लोग नियम रूल चेंज कर देते और बोलते हैं कि अब नियम बैक डेट से लगेगी, और इस अगर ये नियम हम लोग पे लगती है तो हम लोग का सिलेक्शन पर हम लोग सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। ये देखिए किस तरीके से जो इंजीनियर के अभ्यर्थी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये जो इलाका है वो विश्वेश्वरैया भवन के सामने का इलाका है, और तिलंगा लिए जो इंजीनियर के अभ्यर्थी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार लगातार, जो प्रशासन है वो समझाने लगी है। तो वही एक तरफ दिखा देना चाहेंगे, जो ट्रैफिक है वो लगा हुआ है काफी देर से, जो अभ्यर्थी है प्रदर्शन कर रहे हैं। बात करेंगे क्या कुछ ये मामला है, चयनित सहायक अभियंता की, सिलेक्टेड बीपीएससी यही कैंडिडेट की, ये नोटिफिकेशन नंबर है 01020304/2019 का। हमारी वैकेंसी 2019 में आई थी, हम लोग एग्जाम 2022 मार्च में दिए थे। हमारी डॉक्यूमेंट दस्तावेज सत्यापन हमारा हुआ था 30/7 को हुआ, 30/6 और 30/7 तक हुआ था, जुलाई में हुआ था। उसके बाद सरकार ने 9 नवंबर में इन्होंने नियम लाकर चेंज कर दिया। बोलते हैं कि आप लोगों को इसमें वेटेज नहीं मिलेगा, वेटेज कॉन्ट्रैक्ट वाले को, संविदा वाले कर्मी को वेटेज मिलेगा। जितना आप लोग अभ्यर्थी, हम लोग चयनित थे, हम लोग का दस्तावेज सत्यापन हो गया, हम लोग की सिर्फ ज्वाइनिंग और डिपार्टमेंट अलॉटमेंट बाकी है। क्या कहा जा रहा है आप लोगों का? हमें ये लोग बिना कोर्ट के आदेश के ये लोग नियम रूल चेंज कर देते और बोलते हैं कि अब नियम बैक डेट से लगेगी, और इस अगर ये नियम हम लोग पे लगती है तो हम लोग का सिलेक्शन पर हम लोग सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम लवनीत है। जी हम लोग बीपीएससी के असिस्टेंट इंजीनियर के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। हमारा एग्जाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो चुका है, हमारा केवल अलॉटमेंट बचा हुआ है, और उसके बाद रिजल्ट होने के बाद कैबिनेट से एक भूतलक्षी प्रभाव से, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट के साथ एक रिक्रूटमेंट रूल लाई जाती है, और हमारे ऊपर वो थोपने का कोशिश किया जा रहा है। अगर ये सही है तो हमारा रिजल्ट अमेंड हो सकता है। हम अपनी वैकेंसी थी, ये मार्च 2019 की वैकेंसी है। पूरी संख्या कितनी आप लोग? 305 लोग हम लोग सेलेक्टेड हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल सारे ब्रांचेस के हम लोग बच्चे हैं। हम लोग IIT NIT जैसे इंस्टीट्यूशन से पास आउट होकर आए हैं, और उसके बाद हम लोग दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो चुके हैं। हमारे 6 महीने से हमारी नियुक्ति भी नहीं हो पा रही है। हम हर दिन आके ऑफिस में बीपीएससी में हम अपना ग्रीवांस सबमिट कर चुके हैं, अतुल प्रसाद से मिल चुके हैं, प्रत्यय अमृत से मिल चुके हैं, बस आश्वासन मिला है, उसके सिवा कोई कार्रवाई हमारे फेवर में अभी तक देखने के लिए नहीं मिल पा। इससे परेशान? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा 2019 से हमारा विज्ञापन आया था, 3 साल से ऊपर बीत चुका है, उसके बाद जाके रिजल्ट आता है, और हमारा ये उसके बाद नियम ये लोग असंवैधानिक तरीके से बदल देते हैं। हम लोग बहुत परेशान चल रहे हैं, शासन ठेल रही आप लोग मार रही है। देखिए किस तरीके से जो पटना पुलिस है वो ये इंजीनियर के अभ्यर्थियों को जो है ठेलते हुए नजर आ रही है, तो वहीं लाठी चार्ज भी कर रही है। ये तस्वीर देखिए किस तरीके से जो प्रशासन है वो ठेलते हुए नजर आ रही है। काफी समय से जो इंजीनियर के अभ्यर्थी थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, 2019 से परेशान चल रहे हैं, तो वहीं तिरंगा लिए हुए जो जूनियर इंजीनियर के अभ्यर्थी है वो है, तो वहीं बीपीएससी से ये चयनित हुए थे अभ्यर्थियों का यह साफ कहना है कि प्रत्यय अमृत जो कि अधिकारी है उनके तरफ से आश्वासन मिला है, तो वहीं हम पढ़े लिखे अभ्यर्थी है NIT या फिर तमाम जो कॉलेज है वहां से हम पढ़े हैं, और जिसके बाद हम चयनित हुए थे, लेकिन हम लोगों को हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। तो वहीं करीब 300 से पार इन लोगों की पूरे बिहार में संख्या है, और ये तस्वीर जो है विश्वेश्वरैया भवन के सामने की है, जहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं तमाम जो अभ्यर्थी है वो, तो वहीं लगातार बहाली की मांग कर रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से पूरे प्रशासन जो है कहीं ना कहीं तैनात यहाँ कर दी गई है, तो वहीं लगातार प्रदर्शन कर रहे तमाम अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी है। बात करेंगे प्रदर्शन कर रही, हटाया जा रहा है, क्या कहेंगे, गलत है ना। एक तो हम लोग के साथ अन्याय किया जा रहा है, उस ऊपर से हम लोग अपने हक के लिए आए हैं, आए हैं तो लोग धक्का देके हटा रहे हैं, ये सही है? 2019 से परेशान हैं आप? हाँ, हम लोग ये 2022 में एग्जाम दिया था हमने, हमारा रिजल्ट आया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ हो चुका था, तब जाकर इन्होंने नियम बदल दिया, बोले कि ये कॉन्ट्रैक्ट वाले को वेटेज देंगे, 25% वेटेज देंगे। एडवर्टाइजमेंट नहीं है 25% मार्क्स का, अरे काला कानून करके पीछे से संशोधन करना सही नहीं है, हम लोग फ्रेशर वाले फिर कहाँ जाएंगे? तो प्रॉब्लम है ऐसा, हम
लोग के साथ हो रहे, तो हम लोग को न्याय चाहिए, हम लोग को नियुक्ति पत्र चाहिए, हम लोग को जॉइनिंग चाहिए। कुछ कहिएगा? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वाले में वेटेज नहीं मिले, क्योंकि हम लोग तो रिटर्न दिए हैं उसी एडवर्टीजमेंट के बेसिस पे, रिजल्ट भी हमारा उसी पे हुआ है, तो उसमें संशोधन नहीं होना चाहिए, बैक डेट जाकर नहीं होना चाहिए। तमाम जो बीपीएससी के सिलेक्टेड असिस्टेंट इंजीनियर के अभ्यर्थी हैं, ये तमाम सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं, तमाम प्रक्रिया पूरी हो गई है, बस ज्वाइनिंग जो है वो चाहिए इन लोगों को। करीब 300 के पार इन लोगों की बिहार में संख्या है, तो वही लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं तमाम बीपीएससी सिलेक्टेड इंजीनियर असिस्टेंट के अभ्यर्थी, तो वही लगातार मांग कर रहे हैं कि हमारी बहाली हो जल्द से जल्द, 2019 की वैकेंसी है। तो वही तमाम पोस्टर बैनर हाथ में दिख रहा होगा सिलेक्टेड इंजीनियर के साथ, क्यों खेल रहे हो, रिजल्ट देकर जल्द से जल्द बहाली करो। तो वही बता दें आपको कि लगातार अभ्यर्थी परेशान चल रहे हैं, तमाम बातें कह रहे हैं, तो वही देख सकते हैं उस तरीके से पटना का ये सड़क है जहां पर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं सड़क जाम कर कर भी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन इन लोगों को साइड कर दिया गया है और हटाने की कोशिश की जा रही है। देखिए इस तरीके से पुलिस प्रशासन या फिर जो अधिकारी हैं वो यहां पे मौजूद हैं, तो वहीं लगातार अभ्यर्थियों को समझा रहे हैं, अभ्यर्थी लगातार जो है यह मांग कर रहे हैं कि हमारी बहाली की जाए, तो वहीं काफ़ी परेशान है तमाम अभ्यर्थी। फिलहाल महिला अभ्यर्थियों से भी हमने बात किया है, तो वहीं सिलेक्टेड के तमाम इंजीनियर के पुरुष अभ्यर्थियों से भी हमने बात किया, क्या कुछ कहना था आपने सुना है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, देखने वाली बात यह होगी इनके साथ इंसाफ कब तक होता है, बहाली इनके साथ इनकी कब तक होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो और भी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। पटना से सहयोगी अजय के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।